नमस्कार दर्शक मित्रों, एक्सोटिक वेब मीडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारी एक्सोटिक एजुकेशन वीक का सेकंड डे है और आज हमारे साथ उपस्थित है सुनील कुमार जाधव जी, जो कोऑर्डिनेटर है, साइंस मैथ्स के टीचर है HMB सरदार इंग्लिश मीडियम स्कूल के। सो सर, आपका स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में, और हमारे साथ जुड़ी है पीना ठक्कर, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। हमारे जो स्पॉन्सर है इस प्रोग्राम के, स्मार्ट HR सर्विसेज, जो मर्चेंट नेवी में जॉब का हम लोग काम करते हैं, और साथ में इंडियन एयरलाइंस एयरपोर्ट की जॉब का भी ये स्मार्ट HR सर्विस काम करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उनके बारे में पीना जी बाद में बताएगी। लेकिन हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है 10th साइंस और मैथ्स दोनों की एग्जाम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो उसके बारे में हम आप सर से बात करेंगे। सर, आप पहले बताइए कि अभी एग्जाम कॉर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, बहुत ही कम समय है, कम समय में ये साइंस के स्टूडेंट्स जो है वो कैसे कम समय में अपना पेपर इजीली मतलब लिख सकते हैं, तो उसके बारे में बताइए सर। नमस्कार दर्शक मित्रों, पहले तो बोर्ड के अंदर अगर आप हो तो आप बोर्ड के अंदर जो दिल के अंदर जो डर होता है वो पहले निकाल दीजिए, क्योंकि बोर्ड ऐसे कोई चीज नहीं है जिसे डरना चाहिए। एक्चुअली डरते कब है हम लोग, जब हमें खुद बताया जाता है, जब छोटे बच्चे होते हैं वो भूत से कभी नहीं डरते हैं, पर जो छोटे बच्चे हैं उनको जब हम बता देते हैं कि ऐसा भूत होता है तो वो अंधेरे में जाने से डरेंगे क्योंकि भूत है। बस ऐसे ही पेरेंट्स, सोसाइटी, सब लोग ऐसा बोलते हैं बोर्ड के एग्जाम है, जैसे ईयर बिगिन होता है, बोर्ड में हो, ध्यान दो, पढ़ाई अच्छे से करो। बस ऐसे करते करते बच्चे के अंदर बोर्ड के एग्जाम के आगे बहुत सारा डर आ जाता है, तो वो डर हमें पहले तो दूर कर देना चाहिए। साइंस और मैथ्स, एक्चुअली लोग ऐसा बोलते हैं कि सब स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट बहुत ही हार्ड है और उसके अंदर अगर पास होना हो तो बहुत डिफिकल्ट है, बट मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि मैथ्स और साइंस दो सब्जेक्ट ऐसे है कि जिसके अंदर फेल होना डिफिकल्ट है। तो एग्जैक्टली आप किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो ये दोनों सब्जेक्ट के अंदर अच्छे से आप स्कोर कर पाओगे, उसकी हम बात इस एपिसोड के अंदर करेंगे। पहले तो मैं साइंस सब्जेक्ट की बात करना चाहता हूँ। साइंस के अंदर हमें पता ही है, सब स्टूडेंट जानते हैं कि गुजरात बोर्ड के अंदर दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए जिसको हम बोलते हैं MCQ, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न बोलते हैं जिसको, जिसके अंदर से हमें चार ऑप्शन दिए जाते हैं, उसके अंदर से कोई एक करेक्ट आंसर हमें लिखना होता है। बहुत सारे बच्चे ऐसा मानते हैं कि इट इज वेरी इजी, और स्कूल के एग्जाम में ऐसा होता भी है कि बहुत सारे बच्चे आजू बाजू में से कॉपी करके अच्छे स्कोर लेके आते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में भी कुछ ऐसा ही होगा। पर दर्शक मित्रों, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बोर्ड की एग्जाम के अंदर ये अगर आपके माइंड में हो तो बिल्कुल निकाल लीजिए, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता। बोर्ड के एग्जाम की बात करो तो बोर्ड के एग्जाम में स्टैंडर्ड 10th के अंदर एक क्लास के अंदर 30 बच्चे हो गए, और वो 30 बच्चों के अंदर से 15 डिफरेंट सेट्स उनको दिए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा मानते हैं कि हमें बहुत डिफिकल्ट पेपर मिला था इसके लिए मेरा स्कोर कम हुआ, बट ऐसा नहीं होता है। एग्जैक्टली उसमें ऐसा है कि क्वेश्चन वही होगा, बट जो जो बच्चे हैं 15 सेट वाले तो वो सबको क्वेश्चन के नंबर बदल दिए गए होंगे, मतलब कि फर्स्ट वाले को अगर जो फर्स्ट पेपर सेट है उसको क्वेश्चन नंबर 1 है तो वही क्वेश्चन सेकंड पेपर सेट वाले को 49 नंबर पे हो सकता है, थर्ड वाले को 35 पे हो सकता है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉपी, एंड वी नो दैट के बोर्ड के एग्जाम के अंदर कैमरे भी लगे होते हैं, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर कॉपी। सो वेयर टू पास, पास होने के लिए आपको फोकस करना है पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और वो जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसके आंसर लिखना बहुत ही इजी है। अगर साइंस सब्जेक्ट की बात करूं तो साइंस सब्जेक्ट के अंदर हम जानते हैं कि चार सेक्शन होते हैं, पार्ट बी के अंदर चार सेक्शन होते हैं, जिसके अंदर सेक्शन ए जो 2 मार्क्स का होता है, मतलब कि 5 questions of 2-2 marks, उसी तरीके से पार्ट बी, मतलब कि पार्ट बी के अंदर ही सेक्शन बी में 2 marks each के क्वेश्चन होते हैं, मतलब वो भी 2 मार्क्स के, 5 to question number 6 to 10 के जो पार्ट बी के अंदर सेक्शन बी में होते हैं, उसी तरीके से सेक्शन सी में 3 मार्क के और सेक्शन डी के अंदर 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप हार्ड वर्क करो तो हार्ड वर्क के साथ साथ थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लिया करो,
अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। स्मार्ट वर्क कैसे है? अगर सेक्शन डी की बात करो तो सेक्शन डी के अंदर अगर आप वेटेज देखोगे, सब बच्चों के पास वेटेज है कि चैप्टर वाइज कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस चैप्टर में से आते हैं। अगर आप देखो तो फर्स्ट पार्ट जो है जिसमें चैप्टर नंबर 1-2 चैप्टर नंबर 6 के जो फिजिक्स के होते हैं जिसके अंदर हम भौतिक विज्ञान बोलते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन आना तय है। और अगर आप उसका वेटेज देखो तो उसमें से चैप्टर नंबर 2 जो है उसका वेटेज सबसे हाई है। इसका मतलब 5 मार्क का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 2 में से ही आने वाला है। उसी तरीके से अगर केमिस्ट्री में देखो जो चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट होकर 11 तक है उसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज होता है चैप्टर नंबर 8 मेटल्स धातु, तो उसके अंदर से 8 मार्क का वेटेज है, मतलब डेफिनेटली उसके अंदर से ज्यादा 5 मार्क का क्वेश्चन उसी में से आने वाला है। उसी तरीके से चैप्टर 12 जो बायोलॉजी सेक्शन है 12-2 चैप्टर नंबर 18 तो उसके अंदर से 12 चैप्टर में से 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन आप अच्छे से करो तो डेफिनेटली आप 15 मार्क्स स्कोर कर लोगे। और वो 15 मार्क्स आपको अगर 33 मार्क की चिंता हो 33 मार्क कैसे लाए तो आप ऑलमोस्ट हाफ तक पहुंच जाते हो, दैट मींस इट इज बेटर टू पास वेरी इजीली। उसी तरीके से अगर मैथ्स की बात करो तो मैथ्स के अंदर भी सेक्शन ए बी सी डी है। मैथ्स में सेक्शन ए जो है पार्ट डी के अंदर वो होता है 2 मार्क्स का, सेक्शन बी है वो 3 मार्क्स का, सेक्शन सी 4 मार्क्स एंड सेक्शन डी जो 5 मार्क्स का होता है। यू मस्ट टारगेट ऑन सेक्शन डी, वहां पे आपको पता है कि एग्जैक्टली क्या आने वाला है, एक कंस्ट्रक्शन मतलब के रचना और एक थियरम मतलब के प्रमेय, ये दोनों डेफिनेटली उसके अंदर आते हैं। तो अगर वो और बहुत ही कम है रचना, आप देखो तो रचना का एक ही चैप्टर है जिसके अंदर मेनली 3 टाइप की रचना आती है, जिसके अंदर एक है के एक रेखाखंड है मतलब कि एक लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइड करना है स्पेसिफिक पार्ट के अंदर, एक ट्रायंगल को सिमिलर ट्रायंगल बनाना है, और तीसरा जो है वो है टेंजेंट रिलेटेड टू सर्कल, मतलब कि सर्कल का स्पर्शक कैसे बनाया जाए। बस ये 3 टाइप की रचना है और प्रमेय भी बहुत कम है। अगर वो आप अच्छे से करोगे तो डेफिनेटली आप 10 मार्क्स उसमें भी स्कोर कर लोगे, इट इज वेरी इजी टू पास इन मैथ्स एंड साइंस। बहुत ही अच्छी बात बताई सर आपने, और जो भी हमारे स्टूडेंट्स है 10th और 12th के, अभी हम 10th की बात कर रहे हैं लेकिन जो भी ये बोर्ड के एग्जाम के स्टूडेंट्स है सभी ये प्रोग्राम अगर आप देख रहे हो तो आपको अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो वो भी हमें पूछ सकते हो, हम यहाँ से जरूर आपको उनका आंसर करेंगे। हमारा फेसबुक पेज है जो उसको लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिएगा, उस पर भी बाद में आप ये एपिसोड पूरा देख सकते हैं ताकि आप एग्जाम देने के लिए जाओ तब आपको बहुत ही इजीली ये सब प्रिपरेशन जो हम करवाते हैं वो इजीली आप कर सको, एग्जाम दे सको। तो ऐसी हमारी शुभकामनाएं है कि आप अच्छे अव्वल नंबर से पास भी हो जाओ। तो इसीलिए हमने ये गाइडेंस प्रोग्राम रखा हुआ है बच्चों के लिए। सो नेक्स्ट सर क्वेश्चन ये रहेगा कि अगर बोर्ड की एग्जाम जो होती है उसमें क्लास के अंदर जो बैठक व्यवस्था होती है वो किस तरह से होती है? ओके, इसके अंदर ऐसा है कि हमारे पास मेनली एसएससी और एचएससी, एचएससी के भी विद्यार्थी देख रहे होते हैं प्रोग्राम, तो मैं तीनों की बात करना था। उसमें भी 3 चीजें हैं, जैसे कि 12th में कॉमर्स भी है मतलब कि जनरल स्ट्रीम और दूसरी होती है साइंस स्ट्रीम। तो एग्जैक्टली उसकी जो बैठक व्यवस्था है सिटिंग अरेंजमेंट है क्लास के अंदर, अगर हम स्टैंडर्ड 10th के स्टूडेंट्स की बात करें तो एक क्लास के अंदर 30 स्टूडेंट्स होते हैं और 30 स्टूडेंट को इस तरीके से सेट किया जाता है कि उनके जो 15 डिफरेंट सेट, मैंने पहले ही बात की कि 15 सेट अलग अलग होते हैं, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरीके से उनको सेट दिए जाएंगे। तो कोई भी 2 स्टूडेंट के जिनका सेट पेपर सेट 1 ना हो उसकी खास बहुत ही केयर ली जाती है कि दोनों स्टूडेंट बहुत दूर दूर होंगे, मतलब एक दूसरे में से कॉपी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में भी कुछ इसी टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर 30 स्टूडेंट्स होते हैं। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट साइंस सेक्शन तो 12वीं साइंस के अंदर क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट होते हैं, 20 इंस्टेड ऑफ 30, और 20 के 20 पेपर सेट अलग आते हैं। मतलब कि उसके अंदर किसी भी एक स्टूडेंट के क्वेश्चन नंबर सेम नहीं होंगे, तो दैट इज द डिफरेंस इन 10th स्टैंडर्ड 12 कॉमर्स एंड 12 साइंस। जी बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा कि अगर 10th की विज्ञान का जो सब्जेक्ट है उसमें अच्छी तरह से अगर उसको
मार्क्स लाने हैं अपने एग्जाम के अंदर, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ओके, बहुत सारे विद्यार्थियों का यह प्रश्न मुझे आता है कि अगर हमें साइंस में अच्छा स्कोर करना है, मतलब कि विज्ञान के अंदर अगर हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं तो क्या करना चाहिए। मेरा जो आपको सजेशन है कि यू मस्ट स्टार्ट इट विद सेक्शन डी। जैसे मैंने पहले भी बोला कि सेक्शन डी को आप टारगेट करो। सेक्शन डी के अंदर चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 12, ये तीन चैप्टर ऐसे हो जिसमें से 5-5 मार्क के क्वेश्चन आने वाले हैं, और सभी स्टूडेंट को पता ही है कि उसके अंदर टोटल 5+5+5 टोटल 15 ही क्वेश्चन उनको अच्छे से करने हैं, और वो 15 क्वेश्चन वो अच्छे से करके जाएंगे तो डेफिनेटली 15 मार्क वो अच्छे से ला सकते हैं। तो यू मस्ट स्टार्ट विद सेक्शन डी। सेक्शन डी से स्टार्ट करने का एक बेनिफिट ये भी होगा कि आपको पता है कि सेक्शन डी में क्या आने वाला है, वही क्वेश्चंस ऑलमोस्ट बोर्ड के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो वो अगर वो अच्छे से करके जाएंगे, उसको लिखेंगे, तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि एटलीस्ट आई विल गेट दिस 15 मार्क। मतलब उनको जो डर है कि शायद ऐसा डिफिकल्ट पेपर आ जाए, मैं फेल हो जाऊं, तो वो डर पहले ही निकल जाएगा, वो अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। अगर हम प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी इवेंट, तो उसी तरीके से हमें पार्ट बी का भी प्लानिंग करके जाना चाहिए। जैसे सेक्शन ए है वैसे ही सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी के अंदर मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ, साइंस के अंदर मैंने जैसे बताया कि 4 सेक्शन है, पेपर के अंदर 2 घंटे का समय है कि जिसके अंदर उनको ये चारों सेक्शन अटेम्प्ट करने हैं। और वो 100 मिनट को हमें 4 सेक्शन में डिवाइड करना है। अगर हम उसको 4 सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली ईच सेक्शन विल हैव 25 मिनट्स। पहले तो अभी जो समय बचा है उसके अंदर विद्यार्थियों को ये प्रैक्टिस करनी है कि क्या हम 25 मिनट के अंदर एक सेक्शन पेपर में कंप्लीट कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि बच्चों का पेपर होने के बाद बहुत बार बच्चे मुझे हमें मिलते हैं और बताते हैं कि पेपर ऑफ साइंस वाज वेरी लेंथी, बहुत लेंथी था। लेंदी होता नहीं है, बट लेंदी क्यों हो जाता है, क्योंकि वो एक सेक्शन को कुछ ज्यादा ही समय दे देता है। अगर अभी भी मैं बात करूं कि विद्यार्थियों को पता है कि ये 3 क्वेश्चन ही 15 मार्क्स के अंदर आने वाले हैं, फिर भी आप एक बार घर पे पेपर लिख के ट्राई करो कि ये 3 क्वेश्चन क्या वो 25 मिनट्स में कंप्लीट कर सकते हैं, तो आपका डेफिनेटली ये आंसर होगा कि नहीं, क्योंकि उसके अंदर फिगर डेफिनेटली, अगर साइंस का पेपर हो तो 5 मार्क्स में फिगर तो आती ही है। बहुत सारे बच्चे तो 10 मिनट तक फिगर ही ड्रॉ करते रहते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं। अगर हम वो 25 मिनट्स को भी 3 क्वेश्चन के अंदर डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट 8.5 मिनट्स, मतलब कि 8 मिनट्स एंड 30 सेकेंड जैसा समय उसके अंदर रहता है। तो उसके अंदर क्या वो लिख सकते हैं या नहीं, उसकी प्रैक्टिस करें। मैक्सिमम कोई भी एक सेक्शन को 30 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना ही है, अगर वो नहीं होता है तो आपको पेपर डेफिनेटली लेंदी लिखने वाला है। उसी तरीके से सेक्शन सी ए बी आप कैसे भी लिखे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक चीज विद्यार्थियों को खास ध्यान में रखनी है, वो ऐसी है कि जब आप पेपर लिखते हो तो कोई भी सेक्शन से स्टार्ट करके कोई भी सेक्शन लिख सकते हो, बट वो सेक्शन के जो क्वेश्चंस है उसको सीक्वेंस में नहीं लिखना है, सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। बट जैसे आपने सेक्शन बी स्टार्ट किया उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 है, तो आपको वो सारे कंप्लीट करके ही नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जाना है। जैसे कोई विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि सेक्शन डी में 16 लिखा, फिर सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, फिर सेक्शन बी का लिखा, फिर दैट इज नॉट अलाउड इन द बोर्ड एग्जाम, तो ये बात उनको खास ध्यान में रखनी चाहिए। तो डेफिनेटली इस तरीके से अगर वो करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर वो कर पाएंगे साइंस। पर सेक्शन डी के अंदर 3 क्वेश्चन होते हैं साइंस में, और बाकी के सेक्शन ए बी सी के अंदर
5-5-5 क्वेश्चंस होते हैं, जबकि मैथ्स में ऐसा डिफरेंट है कि सेक्शन डी में सिर्फ 2 क्वेश्चन होते हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं, हमने जैसे बात की कि हर एक टाइम हर एक सेक्शन को हम डिवाइड करते हैं, तो उस तरीके से अगर हम देखें तो सेक्शन डी मैथ्स में भी हम 25 मिनट्स का कैलकुलेट कर रहे, बट अगर आप मैथ्स में देखो तो मैथ्स के अंदर जो सेक्शन ए है उसमें टोटल 8 क्वेश्चंस आते हैं, 8, और उसके अंदर ज्यादा समय जाता है। तो अगर आपके पास सिर्फ 2 ही चीजें लिखनी है सेक्शन डी में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया दर्शक मित्रों को कि प्रमेय और रचना 2 चीजें लिखनी है, तो ये दोनों चीजें लिखने में मैक्सिमम उनको 20 मिनट्स का टाइम लेना चाहिए, जैसे कि बाकी के सेक्शन को एडजस्ट वो कर पाए। एंड मैक्सिमम 25 मिनट्स पर वन सेक्शन वुड बी फिनिश इन एटलीस्ट मैथ्स, देन ओनली दे कैन फिनिश देयर पेपर। सर अभी बात करेंगे हम ओए मार्क की बात करेंगे, जो पार्ट ए में ओए मार्क का जो आंसर देना होता है उसमें क्या क्या मतलब स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जी सर। ओए मार्क जब लिखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। OMR में ये कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट के व्यू से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि OMR तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर है, पार्ट ए इज अ OMR, और जिसके अंदर 50 मार्क्स के OMR के आंसर देने हैं, उसमें विद्यार्थी कैसे मिस्टेक करते हैं और क्यों उनके मार्क्स जाते हैं। जैसे उनको OMR लिखना है तो उसपे क्लियरली लिखा होगा कि ब्लू या ब्लैक पेन से उसको लिखा जाए, तो बहुत सारे बच्चे उसमें जेल पेन यूज करते हैं, तो ये एक मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात करें तो जब वो OMR का आंसर दे रहे होते हैं तो बहुत सारे बच्चे पहले पूरा का पूरा पेपर शॉर्ट आउट कर जाते हैं, सॉल्व करते हैं और बाद में लिखना स्टार्ट करते हैं। जब वो लिखना स्टार्ट करते हैं तो जैसे पूरा ये मैंने सॉल्व कर लिया, फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया, फर्स्ट में मैंने डार्कन किया ए, सेकेंड के अंदर डार्कन करना है बी, थर्ड में आता है सी, तो उस तरीके से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। और कभी कभी ऐसा होता है, हमने देखा है बोर्ड के एग्जाम में, बच्चे बाद में आके हमें बताते हैं कि जैसे आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने देखा कि मेरे पेपर के अंदर पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस सॉल्व हो गए, और जब वो OMR में देखते हैं तो उनका सिर्फ 48 तक पहुंचे, मतलब कोई एक क्वेश्चन के अंदर उन्होंने 2 मार्क्स कर दिए। फिर वो बैक जाते हैं और अगर देखे कहां से मिस्टेक हुई तो उतने मार्क्स उनके चले गए। तो ऐसी मिस्टेक ज्यादातर उसके अंदर OMR में होती है। और मान लीजिए कि अगर वो सेकेंड से ही रॉन्ग हो गया तो क्या हालत हो सकती है, आप सोच सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी चीज जो उसके अंदर खास ध्यान रखने जैसी है वो ये है कि जब आप OMR लिखते हो तो OMR लिखते टाइम अपना जो टाइम है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। जैसे अगर हम बोर्ड के पेपर की बात करें, स्पेशली OMR जो होती है वो 10th स्टैंडर्ड और 12th साइंस के अंदर होती है, तो उसके लिए OMR लिखने के लिए उनके पास 1 आवर मतलब कि 1 घंटे का टाइम है, और 15 मिनट्स का टाइम क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए है। आई कैन गिव यू विद द एग्जांपल, दैट इज स्टैंडर्ड 10। स्टैंडर्ड 10 का पेपर स्टार्ट होता है 10 बजे, 10 बजे से 10:15 का जो टाइम है, 10:15 तक का टाइम उनको पेपर पढ़ने का है। तो बहुत सारे बच्चे पेपर पढ़ने बैठते हैं, बट जैसे ही आपके हाथ में पेपर आता है तो आपको वो सॉल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर वो आप नहीं करोगे तो मैथ्स के अंदर आप सोचिए आप कंप्लीट कर पाओगे, क्योंकि मैथ्स के अंदर तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं, साइंस में भी बहुत सारे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस आते हैं। अगर ऐसा होगा, अब मानिए कि 1 घंटा है मतलब ऑलमोस्ट 60 मिनट, और वो 60 मिनट के अंदर से 5 मिनट हम वो स्टिकर लगाने की या और फॉर्मेलिटीज के अंदर आप निकाल दे 5 या 10 मिनट, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 50 to 55 मिनट्स रहेंगे, और उसके अंदर 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। जैसे ही बच्चों के हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो उनको जो आंसर उनको आते हैं उनको वो टिक मार्क कर ले, और टिक मार्क अगर करोगे, बहुत बड़ा टिक मार्क किया हो तो शायद सुपरवाइजर उनको बोले कि भाई अभी लिखने का टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, हाउ डू यू डू दिस, तो वो एक छोटा सा रिमार्क कर दे या टपका रख दे जिससे उनको पता चले कि भाई इसका आंसर ऑलमोस्ट यही आता है। और दूसरी चीज के जैसे उनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो उनको क्या करना चाहिए, OMR के अंदर जैसे सेकेंड का आंसर है टी, तो उनको ऐसे देखना है कि सेकेंड और उसके सामने टी कर है। काफी टाइम ये गलतियां कर जाते हैं बच्चे कि ऊपर के क्वेश्चन में ही 2 बार कर देते हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन आता है वो भी गया और दूसरे का जो आंसर था वो भी चला गया, तो वो 2 मार्क इस तरीके से लॉस करते हैं। तो ये चीजों का उनको OMR के अंदर सब्जेक्ट कोई भी हो खास ध्यान देना चाहिए, तो उससे वो ये मिस्टेक करके बाद में पछताए ऐसा ना हो। जी, बहुत ही अच्छी बात कही आपने सर। अभी दूसरे 2-3 क्वेश्चंस में आपको करूंगी, जो भी
मतलब साइंस के स्टूडेंट्स है उनको 33 मार्क्स, जो मतलब पुअर स्टूडेंट्स है उसकी हम बात करते हैं, तो अगर 33 मार्क्स उनको चाहिए अगर लाना है तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, पासिंग मार्क्स से हम बोल सकते हैं। क्योंकि बहुत ज्यादातर मैंने देखा है कि ज्यादातर बच्चे इतने सीरियस नहीं भी होते हैं और ज्यादातर बच्चे सीरियस भी होते हैं, तो दोनों चीज में हम डिफरेंट करें कि जो अव्वल नंबर आते हैं वो तो मेहनत करते ही है, वो पढ़ाई करते ही है, लेकिन जिनको पास सिर्फ पास होना है ऐसा भी होता है, सो उसके लिए क्या कर सकता है। ओके गुड क्वेश्चन जी। अभी भी आपके पास जो समय है उसके अंदर विद्यार्थी अगर चाहे तो आराम से पास हो सकता है। जैसे मैंने अभी भी बात की कि सेक्शन डी को अगर टारगेट किया जाए तो सेक्शन डी के अंदर जो क्वेश्चन है वो फिक्स है कि यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। 15 क्वेश्चन है, अगर एक दिन में 2 या 3 क्वेश्चन भी किए जाए तो विद इन 5 to 6 डेज वो 15 मार्क्स तो आराम से ला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है कि जो बहुत बार बोर्ड के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, वो विद्यार्थी जानते ही है, जैसे कि मायोपिया मतलब के नियर साइटेडनेस, तो वो डेफिनेटली बोर्ड के एग्जाम में आता है। नैनो टेक्नोलॉजी से भावी प्रकार का सामना कैसे करेंगे, वो क्वेश्चन बहुत बार आता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, उनको पता ही होता है कि ये आने ही वाला है, तो वैसे क्वेश्चन भी अगर वो कर ले, जैसे मैंने बात की कि पहले 15 मार्क्स तो उनके आ गए, ऐसे 2, 4, 5 क्वेश्चन भी उनके आ गए तो डेफिनेटली वो ऑलमोस्ट 25 मार्क्स तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा ओएमआर की बात करो तो ओएमआर के अंदर बुक के पीछे जो साइंस की टेक्स्ट बुक की बात करो तो साइंस की टेक्स्ट बुक में चैप्टर के पीछे, हर एक चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यू दिए हैं, टोटल पूरी टेक्स्ट बुक के अंदर 247 एमसीक्यू है, तो वो अगर 247 एमसीक्यू करके जाएंगे तो उसमें से 10 से 12 एमसीक्यू ऐसे होंगे जो सीधे डायरेक्टली वो पूछते हैं बोर्ड के एग्जाम में, तो डेफिनेटली उसमें से 10-12 मार्क आ जाएंगे, तो 33 मार्क्स तो बहुत नजदीक है। तो इस तरीके से वो साइंस के अंदर बहुत इजीली पास हो सकते हैं। मैंने पहले बताया साइंस में फेल होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उनको पता है कि यही क्वेश्चन आने वाला है, फिर भी नहीं करेंगे तभी फेल होंगे, अदरवाइज। तो ऐसे ही सर मैथ्स में भी कोई होगा ना जो क्वेश्चंस मतलब जो डायरेक्टली वही पूछा जाता है जैसे आपने साइंस में बताया, तो वो भी बता दीजिए सर। मैथ्स के अंदर भी 33 लाना बहुत इजी है, उसके लिए जैसे मैंने बताया स्मार्ट वर्क करना है, पहले तो सेक्शन डी की हमने ऑलरेडी बात कर ली है जिसमें रचना और प्रमेय बहुत कम है, एक एक दिन के अंदर आप एक दो भी करते जाओगे तो अभी भी 10 मार्क आप इसीलिए ला सकते हो। हाँ एक चीज है कि जब रचना करते हो तो रचना के मुद्दे मतलब कि उसके जो स्टेप्स है वो कंपलसरी लिखने हैं, 3 मार्क्स फॉर कंस्ट्रक्शन और 2 मार्क्स होते हैं वो स्टेप्स के होते हैं, और बहुत बच्चे स्टेप लिखना भूल जाते हैं, तो वो एक चीज ध्यान देने जैसी है। फिर वो रैंकर हो या पुअर स्टूडेंट हो तो वो 10 मार्क्स इजीली ला सकता है, उसी तरीके से पूरे बुक के एमसीक्यू करेंगे तो उसमें से 8-10 मार्क्स का तो डायरेक्ट आ ही जाता है, वो इजीली स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा मैथ्स के अंदर आपको ऐसा प्लानिंग करना चाहिए, चैप्टर वाइज वेटेज आपको पता है, बहुत सारे बच्चों को संभावना जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 बहुत ईजी लगता है और उसका टोटल वेटेज है 4 मार्क्स का, तो ऐसे चैप्टर्स को टारगेट किया जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं जैसे ट्रिगोनोमेट्री त्रिकोणमिति उनको बहुत डिफिकल्ट लगता है फिर भी उसके पीछे पड़े रहते हैं कि इसका मैं 5 मार्क किस तरीके से स्कोर करूं, बट उसके अंदर जो उनको आ रहा है वो भी वो गवा देते हैं। उससे अच्छा है कि अभी जो समय है उसके अंदर उनको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए जो उनको इजीली आता है, जैसे संभावना है, स्टेटिस्टिक है, आंकड़ा शास्त्र, तो उसके अंदर भी 5 मार्क का वेटेज है तो वो भी वो अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। इस तरीके से वो चैप्टर को भी अच्छे से टारगेट करेंगे और उसके अंदर से मार्क निकालते जाएंगे तो 33 मार्क्स बहुत नजदीक है, सो इट इज वेरी इजी टू पास इन मैथ्स आल्सो। जी सर, अभी और एक क्वेश्चन ये रहेगा कि पेरेंट्स इसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं बच्चों को, वैसे हमने कल बहुत सारी डिटेल्स दे ही दी है लेकिन आज ये साइंस और मैथ्स की जब बात है तो थोड़ा सा ज्यादा सीरियस पेरेंट्स की हो जाते हैं, तो उनको मतलब हेल्थ में कैसे उनको हेल्प कर सकते हैं, हेल्थ उनकी ठीक रहे उसके लिए क्या कर सकते हैं और उनका जो रूटीन है वो कैसे सेटअप करें उनके बारे में सर बताइए। ओके हेल्थ की बात करिए तो हेल्थ के अंदर ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि अभी जो समय है उसके अंदर बच्चे बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम तक पढ़ते हैं, कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 16-16, 17-17 घंटे पढ़ते हैं आउट ऑफ 24 आवर्स, तो हो सकता है कि उनकी तबीयत बिगड़ जाए,
आप अगर पढ़ रहे हो, आप फोकस करके पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतने घंटे भी पढ़ सकते हो। बट अगर आपने पढ़ा ही ना हो, इतना घंटा कभी कंटिन्यूअसली आपने नहीं पढ़े हो और एक साथ बैठ जाओगे आप इतने घंटे पढ़ने, तो शायद दूसरे दिन पूरे दिन सोते ही रहो। तो उनको वो धीरे धीरे अपनी जो कैपेसिटी है वो बढ़ानी चाहिए। ऐसे नहीं कि पहले दिन मैं 16 घंटे पढ़ लूं, अभी भी समय है उनको उस यूटिलाइज करें। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज की उनकी बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि इतने इतना टाइम पढ़ते हैं तो पेरेंट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं कि बेटा बहुत पढ़ा आपने, आज आपको क्या खाना है, मैं आपको जो फेवरेट डिश है वो लाके देता हूँ। फिर वो बाहर का पिज्जा बर्गर वो खा लेगा और हो सकता है कि उसकी इम्पैक्ट है उनकी हेल्थ पे आए। तो ये इश्यू ना हो, और उनका माइंड तभी चलेगा जब वो पौष्टिक आहार लेते, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। तो उनको जो संतुलित आहार है वैसे ही घर का खाना खाना चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी ना हो और कार्बोहाइड्रेट कम हो, ऐसी चीजें खाए तो उनको नींद कम आएगी और वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि आपको सुबह में जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, ऐसा भी जरूरी नहीं है। किसी बच्चे की टैलेंट ऐसी होगी कि वो रात को बहुत मतलब लंबी रात तक पढ़ सकता है, देर रात तक पढ़ सकता है, बट वो सुबह में उठे तो उसको नींद ही आती रहे। तो जरूरी नहीं है कि उसको एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाए कि भाई तू 5 बजे उठ के ही पढ़ो, नॉट नेसेसरी। अगर वो रात को 2-3 बजे तक पढ़ सकता है तो वो आराम से 7 बजे भी उठेगा, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी चीज है कि बच्चों को जो अंदर से डर है, उसको डर को निकालने के लिए पेरेंट्स को भी उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। पेरेंट्स अपनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो बहुत सही बात है, बट कंप्लीटली अगर उनके ऊपर एक्सपेक्ट किया जाए कि आपको इतने मार्क लाने ही है, तो डेफिनेटली वो बच्चा बहुत प्रेशराइज होगा और प्रेशराइज कंडीशन के अंदर वो गलत स्टेट में भी चला जाता है। तो पेरेंट्स को ये चीज ध्यान में रखनी है कि उनको मोटिवेट करें ना कि डिमोटिवेट करें। उनको अच्छे से मोटिवेशन दीजिए, वो डेफिनेटली अच्छा करने ही वाले हैं और उन्होंने पूरे साल पढ़ा है तो उनको वो सब चीजें वो अच्छे से लिख के पाने वाले हैं। बट उनको जो डर है वो डर थोड़ा निकालने की जरूरत है, पेरेंट्स उसमें हेल्प कर सकते हैं। उनके आजू बाजू का जो एटमोस्फियर है वो अच्छा रहे, उसकी वो थोड़ी केयर ले सकते हैं, उनको बैलेंस डाइट मिले और वो जब पढ़ रहे हैं तो उनके साथ में उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले, ऐसी बातें करें उनके साथ। ऐसा भी नहीं है कि आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो, 5-10 मिनट के लिए भी खड़े होते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं भाई इधर ही तो एग्जाम में बैठ जाता है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट स्टूडेंट कंटिन्यूअसली, कोई भी बच्चा 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, तो वो थोड़ा बहुत रेस्ट लेगा बाद में वापस बैठेगा। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें अगर पेरेंट्स ध्यान में रखेंगे तो बच्चों को भी हेल्प होगी और वो अपना अच्छा परफॉर्मेंस देगा। जी सर, अभी पीना जी से मैं कहूंगी कि हमारे जो इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर्ड है उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगी। जी नमस्कार दर्शक मित्रों, एग्जोटिक वेब मीडिया नो एजुकेशन वीक और इसमें आप सभी का स्वागत है। जो दर्शक मित्र हमारे साथ में अभी जुड़े हैं उनसे हम बता दें कि ये कार्यक्रम पूरा वीक चलाने वाले हैं और यहाँ पे 10th और 12th के स्टूडेंट जो एग्जाम के फायर के साथ में चलते हैं, जिनको बहुत डर लगता है कि हम अपने मार्क्स कैसे स्कोर करेंगे, यहाँ पे कुछ जानकारियाँ पेरेंट्स के लिए भी दी जाएगी। आज हमारे साथ में जादव सर है और उन्होंने बात बताई कि साइंस और मैथ्स में आप किस तरह से अपना पेपर इजीली कर सकते हो। इन कार्यक्रम के रिगार्डिंग उन्होंने बताया कि मैथ्स और साइंस में नो कॉपी नो डर, अपना टाइम मैनेजमेंट करते हुए आप अपना पेपर कैसे लिख सकते हो, पेपर की स्टार्टअप आपको कहाँ से करनी चाहिए और 30-35 मार्क्स आपको किस तरह से बहुत आसानी से आप उसको प्राप्त कर सकते हो, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई। एजोटिक वेब मीडिया का हमेशा प्रयास रहता है कि दर्शक मित्रों पेरेंट्स स्टूडेंट सभी को कुछ अच्छी जानकारी दे जाए। इस कार्यक्रम के जो स्पॉन्सर है वो मैथ्यू कैरियर इन अ मर्चेंट इन नेवी, ये आफ्टर 10th और 12th के बाद में जो भी स्टूडेंट्स को अपना कैरियर नेवी में सेट करना है वो यामिनी बहन से कांटेक्ट कर सकता है। लेकिन इससे पहले आपको अपनी 10th और 12th की एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्सों से पास करनी है। एयरपोर्ट आप सब जानते हो कि अभी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट भी बहुत सारी बढ़ गई है, तो नेवी और मर्चेंट में बहुत सारी जॉब भी स्टूडेंट्स के लिए होती है। इस रिगार्डिंग हम देते हैं आपको जो केबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, वीजा पर्संस एंड सेम एज पैसेंजर सर्विस, बहुत सारी चीजें, आपका करियर बहुत सारा ब्राइट हो सकता है। आप 10th और 12th को पास करके कभी भी हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। सर से इस एपिसोड के दौरान मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि
कि हमने बहुत सारी बातें पेरेंट्स को बताई, स्टूडेंट्स को बताई कि किस तरह साइंस और मैथ्स को हमें बहुत आसानी से पेपर को पास करना है, लेकिन छोटी सी बात आप ये भी बता दीजिए कि जो स्टूडेंट्स मैथ्स में सिली मिस्टेक करते हैं, बहुत छोटी छोटी, आई एम ऑल्सो पेरेंट्स ऑफ द 12th एंड स्टूडेंट्स, तो मुझे ये पता है कि छोटी सी सिली मिस्टेक के कारण वो अपने 10 मार्क्स 5 मार्क्स पूरे के पूरे गवा देते हैं। तो हम थोड़ी सी देर इस रिगार्डिंग में जैसे बात करें। सिली मिस्टेक, जैसे मैथ्स में सिली मिस्टेक्स क्या होती है, तो मैथ्स के अंदर जब वो कैलकुलेशन करते हैं अगर उनका थोड़ा बहुत भी ध्यान इधर उधर गया तो वो कैरी ओवर करना भूल जाते हैं, ऐसा तो उनका आंसर पूरा रॉन्ग हो जाता है। दूसरी चीज जो है कि बहुत सारे बच्चे एक एक बड़ा मतलब कि कोई एक सम है, एक जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने जाते हैं तो उसका कैलकुलेशन बहुत बड़ा होता है, तो उसको सॉल्व करने के अंदर वो इतना सारा टाइम लगा देते हैं कि वो टाइम को भूल ही जाते हैं और उसके कारण उनका जो बाकी का पेपर होगा वो छूट जाता है। तो उनको ये चीज याद रखनी चाहिए कि जो आंसर है उसका सिर्फ हाफ मार्क कट होता है, मतलब कि आधा मार्क कट होगा। जैसे स्टेटिस्टिक की बात करें, अगर बड़ा कैलकुलेशन है तो आपको क्या करना है, आपको जो कैलकुलेशन है उसको वहां पेंडिंग रखे, आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाए, उसको शॉर्ट आउट कीजिए, आपके पास जो स्पेयर समय है उसके अंदर आपके पास जब समय रहेगा तो कम बैक टू दैट क्वेश्चन और उसके अंदर आप वापस लिख दीजिए और उसका आंसर फाइंड आउट करके लिखिए। बहुत सारे बच्चे ऐसा मानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ आंसर देखा जाता है, बट आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि उसके अंदर स्टेप्स के भी मार्क होते हैं, फॉर्मूला रखो तो उसके भी हाफ मार्क उसके अंदर होते हैं, हाफ मार्क, वन मार्क, डिफरेंट डिफरेंट मार्किंग है। तो अगर बच्चे को पूरा सम नहीं आता है तो भी डरने की जरूरत नहीं है, वो अगर फॉर्मूला भी रख देगा तो उसको उसका मार्क मिलेगा। जैसे अगर हम थ्योरम की बात करें तो उसके अंदर डेटा टू प्रूव वो होता है, वो लिखो, फिगर ड्रॉ करो तो उसके भी मार्क्स होते हैं, तो बच्चों को ये भी चीजें ध्यान में रखनी है। और सिली मिस्टेक जैसे इधर उधर ध्यान होने के कारण उनकी हो जाती है तो उसके ऊपर थोड़ा फोकस किया जाए तो ऐसे सिली मिस्टेक को वो इजीली अवॉइड कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है आपने बताई सर जी। जो हमने अभी बताया जॉब प्लेसमेंट के बारे में, मीना जी ने बताया वो स्मार्ट एचआर सर्विसेज नवी मुंबई से है, उनके कोऑर्डिनेटर हम सूरत से है। आजकल बहुत लोगों की जॉब नहीं होती है, पढ़ाई तो करते हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रही है, तो हम लोग वो जॉब देने का काम करेंगे, क्योंकि साथ में एजुकेशन का तो है, अब्रॉड एजुकेशन का भी काम करते हैं और साथ में ये भी करेंगे। सो ज्यादातर बच्चों का कैरियर बन जाए, तो इसी के लिए हमारा ये और प्रयास रहेगा। और सर अभी लास्ट यही होगा कि हम जो बोर्ड के एग्जाम के जो बच्चे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे और दो तीन ऐसी टिप्स दे दो जिस तरह से एकदम शॉर्ट में हो और अच्छी हो, बेस्ट हो, जिससे बच्चे पास हो जाए और अच्छे मार्क्स ला सके। एक्चुअली इतने सारे बातों के बाद में तो हम सब यही कहेंगे कि 35 मार्क्स लाना तो सचमुच बच्चों के लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि और सर ने जो बातें बताई ना, जो चैप्टर वेटेड चैप्टर है आप उसी पे ध्यान दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप स्कोरिंग स्टूडेंट नहीं हो तो वो सब्जेक्ट पढ़ो, वो चैप्टर करो, तो आप बहुत आसानी से अपने मार्क्स को स्कोर करो। बहुत सारे बच्चों को ना एक भाई है भाई बोर्ड का एग्जाम ऐसे माहौल ऐसा बन जाता है, इतने सीरियस हो जाते हैं, मतलब इजी फील वो कैसे करे वो आप बताइए सर जी। पहले तो अगर आपने पूरे साल पढ़ाई की है तो आपको सब कुछ अच्छे से याद आने ही वाला है, तो उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल छोड़ दीजिए। बहुत सारे बच्चे डर के कारण भूल जाते हैं तो ये नहीं होना चाहिए बच्चों, आप अपना फोकस फुल स्टडी के ऊपर कीजिए, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको वो डेफिनेटली याद आने वाला है। कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बहुत पतली सी लकीर है, जैसे ये मैं कर सकता हूँ ये कॉन्फिडेंस है, बट ये मैं ही कर सकता हूँ ये ओवर कॉन्फिडेंस है, तो इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए कि ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं मैं तो रैंकर हूँ, मैं कर लूंगा, और वे करते करते वो जो कर रहे होते हैं वो भी छूट जाता है और बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए, उन्होंने क्वेश्चन पेपर देखा एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, दो नहीं आ रहा, तीन नहीं आ रहा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे तो सब कुछ आना चाहिए, और फिर धीरे धीरे वो फ्रस्ट्रेट होते जाते हैं और बोर्ड के एग्जाम में सब कुछ भूल जाते हैं। आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अपने आपके ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। बहुत सारे बच्चे आजू बाजू वालों पे कोई कॉन्फिडेंस रखते हैं, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजू बाजू वाले को पूछ लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, अगर वो गलत भी बता दे तो वो गलत लिख देते हैं, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए। दूसरी चीज जो है कि हमने जब जैसे ऑलरेडी बात कर ही ली है
कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ साथ में पेपर किस तरीके से लिखना है। पेपर जब आप लिखो तो कीवर्ड्स जो है उसके नीचे अंडरलाइन करते जाइए। कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करने के लिए कोई अलग अलग पेंसिल या अलग कलर की पेन नहीं यूज करनी है, क्योंकि इट इज क्लियर कि हमें बॉल पॉइंट पेन से ही लिखना है। और जब लिखते हो तो बहुत बार जेल पेन यूज करते हैं, और अगर जेल पेन के ऊपर पानी गिर गया तो वो भी मतलब पूरा निकल जाता है, उन्होंने लिखी हुई मेहनत पूरी चले जाती है। तो ये भी एक चीज ध्यान देने जैसी है, छोटी सी टिप्स है बट बहुत जरूरी है। और बॉडी एग्जाम के लिए अगर हम बात करें तो पहले तो टेंशन आप निकाल लीजिए और बिल्कुल बिंदास होके लिखिए। हाँ, और एक खास बात कि अगर आप पढ़ते हो तो कोई एक मटेरियल में से पढ़ा कीजिए। जैसे कि कभी होता है कि पहली बार पढ़ा तो कुछ टेक्स्ट बुक में से पढ़ लिया, दूसरी बार डाइजेस्ट में से पढ़ लिया, गाइड में से पढ़ लिया, तीसरी बार कुछ अपेक्षित आदे या रैपिड रिवीजन हुआ तो उसमें से पढ़ लिया। तो जब हम हमें पता है कि जब हम पेपर लिखते हैं तो हमें सामने पूरा पेज दिखता है, क्योंकि हमारा जो विजन है, हम जो देखा हुआ है वो कभी नहीं भूलते हैं। और ये एक्सपीरियंस भी हमें है कि हम किसी को देखते हैं तो हमें याद आता है किसको कहीं पे देखा है बट नाम भूल जाते हैं। तो डेफिनेटली वो आपके सामने दिखेगा और आप अच्छे से पेपर लिख पाओगे। बट अगर अलग अलग मटेरियल में से पढ़ते जाओगे तो लास्ट मोमेंट पे आपको ये पेज में से दो लाइन याद आए कि इसमें से दो लाइन, तो हो सकता है कि उनको पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाए और डिप्रेस हो जाए। जैसे ओवर कॉन्फिडेंस की ऑलरेडी बात हुई कि अगर ओवर कॉन्फिडेंट बच्चे हो तो डिप्रेस हो जाते हैं और फेल भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें अगर वो करेंगे तो डेफिनेटली उनका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। जी जी सर, बहुत ही अच्छी बात है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा है सर, आजकल सोशल मीडिया बहुत चल रहा है और पहले के जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर आजकल तो क्या है, यूट्यूब पे जाओ सब कुछ मिल जाता है, गूगल पे जाओ सब कुछ मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से बच्चों को ये भी मदद देनी चाहिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जाके भी वो अपना कोर्स सॉल्व कर सकता है। तो आपका क्या मानना है? यस, सोशल मीडिया एवरी कॉइन हैज टू साइड। तो उसी तरीके से आप अगर सोशल मीडिया यूट्यूब और उसका पॉजिटिव यूज करोगे तो वो बहुत ही अच्छा है। जैसे आपको कहीं पे कंफ्यूजन लग रहा है कि ये क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करो, जैसे एक प्रमेय है या एक रचना है, अगर आपको नहीं आ रही तो आप अगर यूट्यूब के ऊपर या कोई भी आप सोशल मीडिया के ऊपर अगर सर्च करोगे तो उसका पूरा वीडियो अलग अलग टीचर्स द्वारा बनाया हुआ मिल जाएगा। तो आप कोई भी बेस्ट टीचर को चुन के उनके अंदर से भी लर्न कर सकते हो। तो उसका अगर आप पॉजिटिव यूज करोगे तो सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा है। जी सर, बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से टिप्स भी मिल गई है। मैं एक बार वापस आपको सर बता दूं कि हमारे साथ जो जुड़े थे, जो सर थे, जो टीचर्स थे, सुनील कुमार जाधव जी जो कोऑर्डिनेटर है और साइंस और मैथ्स के टीचर भी है HMB सरदार स्कूल के। तो सर आपका फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना अच्छा टाइम निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, स्टूडेंट्स को अच्छी जानकारी दी। तो थैंक यू सो मच। वापस हम मिलेंगे 28 को, आप भूलिएगा नहीं, 28 को हम वापस आएंगे इसी तरह से अलग अलग जैसे टीचर से आपको अच्छे से ज्ञान देंगे और अच्छे से सब्जेक्ट के साथ में हम आएंगे वापस। तो जरूर से हमारे चैनल देखते रहिएगा, फेसबुक पेज को लाइक करिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वेबसाइट पे भी आपको ये वीडियो देखने को मिल सकता है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।